Assalamu alaikum, dear students, class 11th, unit, ionic equilibrium. और टॉपिक जो है आज का वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक एसिड. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉपिक दैट इज डिसोसिएशन ऑफ ए वीक एसिड. हमारे पास एक वीक एसिड होता था, हमने उसको डिसोसिएट करना है. वो डिसोसिएट कैसे होता है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ा. आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. वहाँ पर कुछ इक्वेशंस हमें डिराइव हमने वहाँ पर कुछ इक्वेशंस डिराइव की थी, सच एज वी हैव द के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा सी इनटू 1 माइनस अल्फा. इट इज 1 माइनस अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज द ओस्वाल्ड. और वी हैव द के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इट इज के k divided by c. We have alpha is equal to, sorry, these are some of the important equations which we derived from the dissociation of a weak acid. Similarly, we have some equations derived from the dissociation of a weak base. तो आज हम कुछ numericals हम करेंगे depending upon the dissociation of a weak acid. Number first numerical है, नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ. क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव आइंस इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड हूज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन दैट के इज इक्वल टू 2.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 एट 298 केल्विन. हमें क्या कैलकुलेट करके देना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? वीक एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट करके देना है. और हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन. हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने कैलकुलेट करके देना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक एसिड सच एज फॉर्मिक एसिड एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन सोल्यूशन. क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है, पहले हमें इसका डिसोसिएशन दिखाना है. वीक एसिड जो है फॉर्मिक एसिड, इसकी फॉर्मूला है HCOH. व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर इट अंडरगोज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन. आयोनाइजेशन इट गिव्स मी H पॉजिटिव एंड वी हैव हियर HCO नेगेटिव फॉर्मेट आयन एंड H3O पॉजिटिव आयन. This is how the reaction takes place. When formic acid is dissolved in water, it ionizes, it gives me H positive ions. Result is the formation of, it is basically H3O, H positive ion which is accepted by the water and it forms the H3O positive ion. This is basically the H positive ion hydrated with water. Hydrated H positive ion. And we have the acetate ion. Now, if we consider that, if इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी है 0.01 मोलर है. किसकी कॉन्सेंट्रेशन? फॉर्मिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन. सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट इज कॉल्ड द 0.01. एट दैट टाइम एंड नो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, इनिशियली वेन नो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस, एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज 0 एंड द this H3O positive ion that is also 0. Let alpha be the degree of dissociation of the weak acid which is a weak acid. So we have alpha be the degree of the ionization
So we have initial concentration of the formic acid that's called 0.01. At that time, when initially no dissociation is there, at that time we have the acetate ion concentration 0 and hydronymine concentration that is also equal to 0. That अब हमने suppose किया है कि थोड़ा सा amount इसमें से dissociate हो गया. Suppose if the concentration of the formic acid is C and after some time some amount of it gets dissociated, let alpha gets dissociated. Now what is the concentration of the acetate ion and the hydronium ion? That's called the C alpha and इसकी भी C alpha. लेकिन C हमने किसके बराबर रखा है? 0.01. So at equilibrium इसकी concentration H3O यहाँ पर लिखेंगे HCOH reversibly gives me HCO negative plus H3O positive. This is initial concentration of the formic acid that's called 0.01. At that time we have no amount of the acetate ion and the hydronium ion present in the mixture. Now after some time when equilibrium is attained, at that time some amount of alpha gets dissociated. So what is the concentration of this, that C alpha? Agar humne suppose kiya hai iski concentration ko C, and let out of that C alpha gets dissociated. Now what is the concentration of this? ये हमने ऑलरेडी से पढ़ा है, जैसे सी अल्फा, लेकिन सी के बदले यहाँ पर क्या है 0.01. सो सम अमाउंट ऑफ इट फ्रॉम 0.01, लेट 0.01 अल्फा इट गेट्स डिसोसिएटेड. व्हाट इज द कंसंट्रेशन? दैट इज 0.01 अल्फा एंड 0.01 अल्फा. नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस लेफ्ट? दैट इज इक्वल टू 0.01 alpha. It comes out to be 0.01 into 1 minus alpha. Now if we consider that the alpha is very small, so we can neglect 0 alpha in comparison to 1, so approximately the concentration of the formic acid ion is 0.01. अगर हमने सपोज किया है कि हमने यहाँ पर सपोज किया है, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड दैट इज गॉट द इज नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू 1, सो वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ द फार्मिक एसिड इज अप्रोक्सीमेटली 0.01. नाउ अब हम अप्लाई करेंगे इसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. वी हैव law of chemical equilibrium, which is Ka is equal to product of the concentration of the products, that is equal to the 0.01 alpha into 0.01 alpha divided by what is the concentration of the formic acid, that is approximately 0.01. Now the value of the Ka that is given in the question, that is equal to the 2.1 into 10 raised power minus 4, that is equal to this one and this one will cancel out. It is 0.01 alpha square. So what is our alpha square? That is equal to 2.1 into 10 raised power minus 4 divided by 0.01, and this alpha is equal to, alpha square is equal to, alpha square is equal to 2.1 into 10 raised power minus 2. क्योंकि अगर हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे, it becomes 10 raised power 2 and 4 minus 2, that's called the minus 2. So alpha is equal to under root of 2.1 into 10 raised power minus 2, and the value it comes out to be 0.14. This is degree of dissociation of the weak acid, that's formic acid, that is equal to the 0.14. अब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है? The concentration of the H3O positive ion is, that is this one. अब अल्फा जो हमें पता है, that's called 0.14 multiplied by 0.1, it gives me the concentration of the H3O positive ion. So we have
concentration of H3O positive ion is, that's concentration of H3O positive ion is equal to 0.01 × 10⁴, that is equal to 1.4 × 10⁻³ mole per liter. This is the answer of the question. So question, what was question? Question was, हमारे पास एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन जो है दैट्स कॉल्ड द 0.01, उसका हमें एसिड डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके देना है, हुज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हुज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन दैट्स कॉल्ड द 2.1 × 10⁴. फिर हमने क्या किया, हमने वो फॉर्मिक एसिड लिया, उसको हमने डिसोसिएट किया, वहां पर क्या बन गया हमें, एसीटेट आयन एंड द हैलोनियम आयन इज फॉर्मड. Then we substitute the concentration, we have initial concentration of the formic acid that's called 0.01. उस वक्त जो initially जो concentration of acetate and the formate ion, the formate ion and that of the hydronium ion, that is equal to the 0, and after at equilibrium let alpha amount of C alpha, that is 0.01 × alpha, get dissociated. So we have the remaining concentration of the formic acid that is equal to the 0.01 − 0.01 alpha, and that approximately that comes out to be 0.01. फिर हमने वो सब शूट करके दिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां से हमने ये इक्वेशन, ये वैल्यूज वहां से हमने डिराइव किए. देन वी हैव फाइनली द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द इनिशियल कंसंट्रेशन. वहां से हमें क्या मिल गया, दैट इज द alpha, that degree of dissociation, and hence degree of dissociation is calculated. Then we can easily calculate the concentration of H3O positive ion. This was first question based upon the dissociation of a weak acid. Now we have second numerical based upon this dissociation of a weak acid, which is क्वेश्चन नंबर टू जो है, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COI, दैट इज एसिटिक एसिड, इज 1.34% ionized, that is degree of dissociation, that is equal to 0.0134 at 298 Kelvin. हमें क्या calculate करके देना है, what is the ionization constant. हमारे पास एक वीक एसिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा वीक एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड है हमारे पास एक वीक एसिड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट इज इक्वल टू द 1.34%, which is given as 0.0134 at 298. What is the ionization constant? हमें इसका ionization constant calculate करके देना है. Suppose we have this weak acid, it ionizes. Suppose we have the solution of this question is CH3COH. It's a weak acid. It breaks. It gives me ions. That is the CH3CO negative. Plus H positive. This is a weak acid. Now initially iski concentration kitni hai? Let its concentration be C. Wo humne suppose kiya hai. Instead of the 0.01, I put it as C initially. So C be the concentration. But in the question the C is equal to 0.01. Let it be C. At that time it is 0 and it is 0. Let alpha amount of it get dissociated.
सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हो गया एंड गिव्स मी द आयन्स दैट सी अल्फा आयन्स ऑफ द एसीटेट आयन एंड सी अल्फा ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स. सो एट इक्विलिब्रियम At equilibrium, we have it is C alpha and C alpha. Let alpha gets dissociated and gives me the ions C alpha ions of acetate ion and the hydrogen ion. Now, what is the concentration of the acetic acid? It is C minus C alpha. That's for C into one minus alpha. अब हम इसको अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम दैट इज द के ए एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन दैट इज सी सी अल्फा इनटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इनटू 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू सी एंड सी दैट्स व्हाट द सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इनटू 1 माइनस अल्फा 1 सी एंड 1 सी विल कैंसिल आउट That is K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. अब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है लेट दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट द बिकॉज दिस इज वीक एसिड एंड इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द डिनोमिनेटर वी नेग्लेक्ट इट बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ इट गेट्स डिसोसिएटेड सो That amount is neglected as compared to 1. This 0.014 is neglected as compared to 1. So we have K is equal to C alpha square. अब K हमें calculate करके देना है. That is the K is equal to. What is the concentration? That is C. That's initially that's equal to this 0.01. Multiplied by what is alpha? Alpha भी दिया गया है दैट्स कॉल्ड 0.01 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर हम इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो दैट इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बदले अल्फा दैट इज द सी अल्फा इसको हमने नेग्लेक्ट किया है नाउ वी हैव द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज के इज इक्वल इसको आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो दैट कम्स आउट टू बी 1.8 × 10⁻⁶ ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या है हमने क्या किया है क्वेश्चन में हमारे पास एक वीक एसिड है लेट 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.34% आयोनाइजर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.0134 एट 298 व्हाट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करके देना है किसका एक वीक एसिड का जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है दैट्स कॉल्ड 0.0134 सो वी हैव दिस वीक एसिड इट आयोनाइजेस इट गिव्स मी एसीटेट आयन एंड द एच पॉजिटिव आयन हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर लेट हमने सब इनिशियली वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड दैट्स कॉल्ड द सी एंड एट द टाइम वी हैव द जीरो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लेट सी अल्फा गेट्स डिसोसिएटेड सो वी हैव सी अल्फा आयन्स ऑफ दिस एंड सी अल्फा आयन्स ऑफ दिस रिमेनिंग कंसंट्रेशन इसकी कितनी है सी माइनस सी अल्फा दैट इज सी इसको हमने कॉमन निकाला है सी इंटू वन माइनस अल्फा फिर हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सो यू हैव सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा सी वन सी एंड वन सी विल कैंसिल आउट इट कम्स आउट टू बी सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इट्स 1 माइनस अल्फा सो 1 माइनस अल्फा इज देयर फिर हमने इस अल्फा को नेग्लेक्ट किया है एज कम्पेयर टू 1 सो वी हैव के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर के अब सी हमें पता है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है अल्फा भी हमें पता है वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दीज वैल्यूज एंड वी गेट द क्वेश्चन आंसर दैट इज के इज इक्वल टू दिस मच दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द डिस्कशन ऑफ अ वीक एसिड नाउ वी हैव द थर्ड वन
थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इन 1.0 मोलर एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हैविंग डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁵. हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, हमें कैलकुलेट करके देना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज पहले हमें कैलकुलेट करके देना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कैलकुलेट करके देना है किसका, एक वीक एसिड एसिटिक एसिड का उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट्स कॉल्ड द 1.0 एट इक्विलिब्रियम हमें कैलकुलेट करके देना है ये. सो वी हैव हियर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, जैसे हमने अभी आयोनाइज किया की थी दैट वीक एसिड CH3COH, इट आयोनाइजेज, इट गिव्स मी CH3CO- + H+ initially we have the concentration of this that's called the initial concentration, let that initial concentration I put the 0.0 sorry I put C is equal to 1.0 instead of 1.0 I will write here C. So we have here initial concentration C, iski concentration is 0, iski concentration bhi kitni hai 0, let C mein se C alpha dissociate ho gaya into the एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई दैट इज C(N)₂-α. फिर K किसके बराबर है दैट इज C(α)C(α)C(1-α) दैट इज कॉल्ड C²(α²)C(1-α). दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, इट इज C²(1-α). आप इस अल्फा को हम नेग्लेक्ट करेंगे इन द डिनोमिनेटर, अल्फा इज नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर. सो वी हैव के इज इक्वल टू C². के हमें पता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका दैट्स कॉल्ड 1.8 × 10⁵. कॉन्सेंट्रेशन इन शोर कॉन्सेंट्रेशन वो भी हमें पता है दैट कोड 0.1. वी कैन इजिली कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए इन डिवाइडेड बाय सी. सो अल्फा किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए किसके बराबर है 1.8 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट्स कॉल्ड 1 दैट्स कॉल्ड 1.8 × 10⁵. सो अल्फा किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ 1.8 × 10⁻⁵ एंड द वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 4. या आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो दैट्स 4.24 × 10⁻³. एंड नाउ दिस इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट्स कॉल्ड 4.24 × 10⁻³. लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करके देना है परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन. सो इट इज अल्फा इंटू 100. अल्फा तो हमें पता है दैट्स कॉल्ड 4.24 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.424. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करके देनी थी किसकी, वीक एसिड की, फॉर एसिटिक एसिड की हूज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1.0. तो सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो दिया गया है दैट्स कॉल्ड 1.8. फिर हमने इसको सॉल्व किया
फिर यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड फिर हमने कैलकुलेट करके दिया है दैट इज द डिग्री ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन. दीज आर द थ्री न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक एसिड. इंशाल्लाह इन द वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द पीएच. थैंक यू सो मच.